बीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे रंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही यार मौला मेरे ले मेरी जान मौला मेरे ले ले मेरी जान छोरे बराटी गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 26 जनवरी, सारा हिंदुस्तान झंडा फहराएगा, भारत माता की जयकार करेगा और हम भी आप सभी को हमारी टीम की तरफ से मैं कहता हूं जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज बहुत गर्व का दिन है हम सभी के लिए और ठीक इस शुभ दिन पर मैंने भी सोचा है कि कुछ नया करा जाए, कुछ हटके किया जाए। बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी कि कुछ करना है, नया करना है, हटके करना है और आप सभी को ऐसी चीज़ देनी है। एक बार लाइट चालू कर लेता हूँ मैं क्योंकि बातें आपके साथ में बहुत सारी हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि जय हो प्रभु, मैंने जस्ट अभी पूजा किया है, मेरा नहा धो के रेडी हो चुका हूँ मैं। और गाइस अभी कैसा है कि मैं कुछ नया प्लान कर रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ में मेरी पूरी टीम है, पूरी टीम इन द सेंस कि जितने लोग आज फ्री हैं उतने लोग जा पा रहे हैं क्योंकि आज पिकिया पिंटिया अंक्या दीपक चमन और आज छम्मो जो है उनके कॉलेज पोस्ट प्रोग्राम है उन लोगों का जहाँ पे उन्हें अवार्ड वगैरह मिलना है तो वो बेचारी नहीं आ पा रही है क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी क्रिकेट के लिए, तो क्रिकेट खेलती है काफ़ी अच्छा भी खेलती है वो, तो आज वो नहीं आ पा रही क्योंकि उसको काम है। तो बाकी जितने लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में, हम सभी लोग जा रहे हैं, हमारे नैनो और कुछ टू व्हीलर सब मिला के हम लोग जा रहे हैं। तो आज मैं कुछ नई शुरुआत करने वाला हूँ। दिन बहुत अच्छा है, 26 जनवरी का दिन है और सारे हिंदुस्तान के लिए खुशियों का दिन है और कोविड के चलते कुछ चीज़ों में प्रतिबंध भी है, मतलब कुछ सीमित कर दिया गया है कुछ चीज़ों को, लेकिन हाँ दिल तो एक बार बोलता है, मतलब हिंदुस्तानी है, सिंपल सी बात है कि जय हिंद वंदे मातरम और इन चीज़ों के लिए हमेशा इंसान रेडी रहता है। तो आज हम भी जो है वंदे मातरम जय हिंद करेंगे मेरे गाँव के स्कूल पर, उसके बाद में मैं निकल जाऊँगा कहाँ सीधे कोंगो राजा के लिए। तो जितने भी लोग आसपास से होंगे, मैंने पहले इंस्टाग्राम में बता नहीं पाया क्योंकि आप लोग को, तो अभी हम जाने वाले हैं। पिकिया जो है अंदर नहा रहा है और अंक्या जो उधर नहा रहा है, देखो ये देखो मेरा रात भाई ये जो है ये भाई इतनी ठंड लगी कड़ा क्या बताऊं मैं क्योंकि गीला था। तो चलो सब लोग रेडी होते हैं, आप लोगों से मिलवाता हूँ उन सभी को और हम यहाँ से निकलते हैं अपने जुलूस के साथ में। ओके, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, कोंगो राजा बाबा की जय। दोस्तों देखिए पूरी टीम हमारी यहाँ पे आ चुकी है, मेरे पास में देखो अभी वो बाजू में बैठा हुआ अंकिया, पीछे पिकिया और पोतन। और कैसे भाई लोग? हम लोग जा रहे हैं आज बाबा के दर्शन करने, कुछ स्पेशल है ना? एक मिनट क्या हुआ? गुड मॉर्निंग नहीं बोला मैंने। अच्छा गुड मॉर्निंग, अरे ये ने भाई कसम से बता रहा हूँ, कहते जहर लौंडा ये, मतलब बीच में टोक ही देगा। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात नहीं कर लेते हैं, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए बाबा के। बाय बाय बाय। देखो ये सब हमारे भाई लोग हैं जो दिल से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों मैंने डाल दिया है फिलहाल में इंस्टाग्राम में कि भाई जो भी मिलना चाहते हैं वो लोग वहां पर आ सकते हैं, देखते कितने लोग आते हैं क्योंकि आधे घंटे बेचारे आ भी नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है, तो हम लोग ही वहां पर जाएंगे पूजा करने के लिए। तो चलो कुछ नया होने वाला है, बहुत कुछ नया होने वाला है और इसके लिए आप लोग हो जाइए तैयार जो करते हमसे प्यार। आ रहा है कोंगो राजा देव पवार। चलो चलो दीपक, चलो जय हो माई की, आजा करिया आजा। पिंटे आ गया है, ये आजकल क्या है हम लोग को छोड़ के अकेला सो रहा है घर में, क्यों पिंटे? मतलब हमारी रजाई ठंडी हुई कि तू घर चला गया? अरे अब क्या बोलूं, मामला फंस गया थोड़ा, मतलब खुद की रजाई में आजकल मजा आ रहा है तेरे को? है ठीक है, तेरे को चिमटने के लिए याद कर रहा है सोते सोते। ठीक है, आदत है दोस्तों, वैसा ऐसा करता है, कैसा करता है, अपनी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है। अबे हाँ यार, बहुत बड़ी अगर धोखे से कुछ भगवान तो है, अगर धोखा होगा नहीं आगे, टेंशन नहीं भैया। चलो रेडी कार भाग ले, एक्शन। दोस्तों गाना गा रहे हम लोग, दोस्तों गाना गा रहे, गाना गा रहे हम लोग, प्रैक्टिस की हमने आते आते, देखना भैया सुर बराबर है सब क्या, पूरा हाई पिच तेरा रंग था मैं तो जिया, तेरा रंग था मैं तो जिया, तेरे रंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही यार मौला
मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान, तीजा तेरा रंग था मैं तो जीना हमको नहीं आता यार, मेरे को अभी कहां से आता बता रहा हूँ मैं, नहीं आता मेरे को, नहीं आ रहा तेरा रंग था मैं तो, देखो आते हैं देखो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे रंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही यार मौला मेरे ले ले मेरी जान, क्या चाहते हैं मौला मेरे ले ले मेरी जान, बताया मेरे ले ले मेरी जान, कमेंट करो और शेयर कर दो अपने इस वीडियो को, वैसे हम गा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं गा लेंगे, बहुत हैवी सिंगर है हम लोग, बहुत हैवी सिंगर है, आप लोगों ने देख लिया होगा, मतलब यहाँ पे हर कोई ऐसा खतरनाक सिंगर है भाई, और सबके पास हाई पिच है, सबसे ज्यादा हाई पिच दीपक की, और दीपक है क्या गाना गाया, और सबसे खतरनाक मतलब भोंगाड़ पिच जिसको कहते हैं एक नई भाषा में, वो भोंगाड़ पिच इसके पास में, टीजा तेरा रंग था मैं, रंग था मैं, इसको कुछ नहीं याद, इसको कुछ नहीं याद, तो मेरी तो बात लगे सुरीली, तूने तो एकदम फाड़ू का दिया दीपी, क्या तूने एकदम वाली लोअर पिच में गाया अपने ऐसा, हाँ लेकिन अच्छा गाया उसने, देखो हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, मैं तो गा रहे बाबा जी नाराज जाएंगे अपने बाबा जी, कांग्रेस बाबा, देखो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है वो गेट जहाँ से एंटर करते हैं, हमारी कार अंदर ही हमने खड़ी कर दी है, अब हम जा रहे हैं, देखो ये नदी का साइड है, हम यहाँ जा रहे हैं और थोड़ा सा दो मिनट हल्का सा फ्री होके आते हैं, उसके बाद बढ़िया अपने आप पवित्र करते हैं, सीधा बोलो ना सुसु के लिए जा रहे हैं, देखो ये मतलब नहीं छोड़ेगा अपनी हरकत कहीं भी, हाँ हम वहीं के लिए जा रहे हैं क्या छुपाना तो अभी हम जा रहे हैं और देखो नदी में ना मैं बहुत सुने पिंटिया आए तो अपन बहुत यहाँ पर, लेकिन आज के 7 साल 8 साल पहले नदी में जो हमने खाना बनाए थे कोको बनाए थे हमने, अब सीधा कहोगे मुर्गा, तू ये बोलेगा अबे कोको बोल दिया करना अच्छा लगता है, मुर्गा मुर्गा
चलो ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पे पार्टी किए थे बहुत पहले, भैंसा चढ़ा देंगे अपने भैंसा को, भैंसा के पास। अरे भाई सा मत बोले, इसको पिंटा है अपना वो। सही बात है, गाली क्यों देगा यार बेचारा तुम उसको, तुम भाई सा बोलोगे मतलब है तो क्या बोल दोगे तुम किसी को भी कुछ भी क्या। अरे भैंसे को भैंसा नहीं बोलना, नहीं बोलना ना उसको बुरा लग जाएगा। नज़ारा काफी बढ़िया है, बहुत बढ़िया जगह है। मतलब एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों ने हल्का सा गंदा वंदा कर दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी यहाँ पे आता है थोड़ा सफाई का ख्याल रखता नहीं, कहीं भी डिस्पोजर, कहीं भी डिस्पोजल वगैरह जो है। देखो वो लोग, खैर नहीं वो क्या है, इसलिए मेरे को उसने बोला कि उधर पे वो सुसु कर रहा है, अपन दिखा रहे हैं व्लॉग अपना कहीं भी चालू जाता है, क्योंकि जब अपन करेंगे तो दिखाएंगे थोड़ा ना अपन, क्यों अपन तो बात कर रहे हैं अभी। इसको जल्दी कह रहे क्या पिंटिया पिंटिया? सब कुछ तो बढ़िया है, यहाँ पर डिस्पोजल जो मतलब फेंक देते हैं लोग, थोड़ा सा गंदगी वाला मैटर जो है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनसे निवेदन है भैया कि थोड़ा इसका ख्याल रखो यार, मतलब सफाई का ख्याल रखो, क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्रकृति की ऐसी देन है जहाँ पर आके आनंद की अनुभूति होती है, तो आनंद लेने के बाद में ऐसा मत छोड़ा करो। देखो गिरे हुए हैं, देखो ये गाइस लोग पांच धागे छह, मामला फंसा हुआ है दीपक का, है ना। दीपक ने जो है यहाँ पे चालाकी खेल लिया है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो है, क्यों छठ में धागे का कोई राज है, वो दीपक बताएगा आपको थोड़ी देर बाद में। अरे सुन तो, अब एक धागा रख ली छम्मो के लिए, एक धागा रख ली, तो देखो देखो देख रही ब्लॉग, देखो देख रही ब्लॉग, वो देखो देख रही ब्लॉग छम्मू, अगर नहीं ले जाएंगे तो वो उसका मुंह जो है ना एकदम ऐसा इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे उसको वो चापती नहीं कि मधुमक्खी वगैरह, ऐसा पूरा सूज जाएगा। धागा एक और कर देना भैया, एक धागा और कर दो और छम्मो लिख दो उसमें। जय हो। देखिए ये है बाबा का दरबार, आपको दर्शन कराता हूँ बाबा के मैं। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है इस घंटे को हम लोग लाइक इस तरह से बजाएंगे। देखो सभी लोग जो है पूजा करने आ गए, जस्ट अभी स्नान हुआ है बाबा जी का, तो यहाँ पर जो माता जी हैं और गुरु जी हैं जो कि सेवा करते हैं, और अभी जस्ट जो है स्नान हुआ है और मेरे ख्याल से भोजन का समय भी मेरे ख्याल से हो ही चुका होगा, तो इस तरह का है। तो अभी हम भैया सबके पैर साफ है कि नहीं, देखो उन्होंने साफ किए बड़े हिसाब से ना, साफ ही है। हाँ नहीं तो क्या मतलब, इतनी मेहनत करने के बाद गंदा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पूजा कर लेते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं अंकित पूजा करने का पूरा सीन। आज बैठते बनेगा नहीं, यहाँ पे हिसाब से बैठना पड़ेगा। चलो मंदिर जब बनते हैं, जब भगवान जहाँ पर भी स्थापित होते हैं, आप जानते हैं कि वहाँ पर एक होते हैं जो कि सेवादार होते हैं, जो पंडा होते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि सालों से जो सेवा करते आ रहे हैं, बाबा जी अंदर बैठे हुए, मैं आपसे मिलवाता हूँ, मैं बाबा जी कुटिया है, आओ अंदर आओ। दीपक फिलहाल में कैमरे में है, कैमरे पर दीपक है और यहाँ पर बाबा जी। बाबा जी विकास होना चाहिए बेटा, ग्रान पड़ा है। ये बात अच्छी बोले कि यहाँ का विकास होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहीं, हाँ बिल्कुल, कहीं पर मतलब बेफिजूल की चीजें बन जाती हैं कहीं पर, अब क्या बोलने वाले बात है, राजनीति हो जाएगी वरना उसमें। मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें ना बना करके थोड़ा यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, कुछ नहीं यहाँ पर टाइल्स वगैरह लग जाए, गट्टू जो आते हैं वो लग जाए, पानी की व्यवस्था पीने की हो जाए, ठहरने के लिए जो चीजें बनी है उनकी व्यवस्था, कुछ नहीं बना सब कुछ है, उनका मेंटेनेंस हो जाए। सही बोल रहा हूँ बाबा जी, सही बोल रहा है। तो जो भी अगर हमारे नेताजी सुन रहे हो या जो भी राजनीति में हो, जिनकी सरकार हो, जिनके हाथ में चीजें अगर हो, तो भैया थोड़ी सी जरा यहाँ पे नजर फेर लो,
है ना, वोट के लिए तो अपन लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। कभी कभी अपने धर्म के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, सभी धर्म के लिए जहाँ पर है ऐसी चीजें, जहाँ पर ऐसे स्थान है, उनकी थोड़ी देखभाल होनी चाहिए। बाबा जी कोशिश करते हैं जितना अगर हमारे सोशल मीडिया वहां तक पहुंच जाए तो देखते हैं किसी निर्भर पाती है यहाँ पर। ये सब दिखाना हमारा मकसद नहीं था, लेकिन भाई दुख होता है कि जब अगर इतना अच्छा स्थान, इतनी ज़्यादा मान्यता इस क्षेत्र में नहीं बल्कि आजू बाजू से भी यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। और बाबा जी ने जो अपना दुख बताया तो कहीं ना कहीं लगा मुझे कि यार सच में यहाँ पे कुछ होना चाहिए। खैर जो लोग सुन रहे हैं, जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, जो काफ़ी अच्छा अपना दखल रखते हैं राजनीति में और जनसेवा में, तो मैं चाहता हूँ कि हल्का सा अगर आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए और जितना हमसे बनेगा आगे चल के हम उतना कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग जो जनता की सेवा में जो हमेशा लगे रहते हैं राजनेता हमारे, एक बात जरा यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं कहता नहीं, निवेदन है मेरा। इस निकल चुके हम लोग यहाँ से। मैंने आपको बोला था कि पिंटिया सबसे फोटो मांगेगा, भीख मांग रहा है फिर से ये, नहीं देते। और लेकिन यार सुन तो लो भाई, मांगे भी क्यों ना यार, इतनी मेहनत से मुंह बना के बेचारा जो है फोटो खिंचवाता है और फिर ऊपर से काला। बड़ी बात, इतना काला होने के बाद इतना बड़ा जिगरा रख के फोटो खिंचवा रहा भाई, कलेजे में, मतलब क्या कहते हैं, कलेजे में वो रख के पत्थर रख के जो बेचारा फोटो खिंचवाता है। अरे बाप, क्या हुआ रे? टूटी रे भैया कुछ तो। क्या टूटा? अपनी गाय टूटी? क्या टूटी? अपनी गाय टूटी होगी क्या? लकड़ी कुछ तो हुआ है दोस्तों। क्या टूटा है पता नहीं, वो तो बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन कुछ तो है जो टूटा है। देखते हैं ना क्या टूटा है यार। टूट जाए क्या कर लो, पिंटिया बैठा है ना, पिंटे नीचे टूटा है। सुन पिंटिया, अच्छा कट से गाड़ी झुक भी रही है एक तरफ? क्या? नहीं नहीं झुक नहीं रही। क्यों झुक नहीं रही? अच्छा मेरे को वहम हो गया, सुने मेरे अंदर वहम हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, देखते हैं। बड़े दिनों बाद वो आज आई है और हमारी गाड़ी में कुछ तो है, टूटने की आवाज आई है। देखते हैं क्या होता है, अब घर जाके मालूम चलेगा। अभी यहाँ देखना भी नहीं, कोई मतलब नहीं लफड़ा। क्यों? रास्ते में आसपास कौन पाले, जो होना है वो तो हो ही गया होगा, घर तो जाए। फिर नैनो को जो है भले ही ले जाएंगे अपने हॉस्पिटल, कोई दिक्कत नहीं। चलो पांच प्लेट ला ले पहले। इतना भुक्कड़ इंसान, इसको बेचारे दीपक को जाना है बट इसको खाना खाना है। खैर खान दो बेचारे को यार, वो जीते ही खाने के लिए। हाँ नहीं जा पाता, नहीं वो जीते ही खाने के लिए बेचारा ना वो। करिया करिया बोल, अरे हमको मगर दिला दो सब। अरे करिया दिला दो सर। पिकिया बोलना। अरे करिया हमको ही मंगोड़े खिला दो सर। देवना सर, तुम्हारे बाल बच्चे खुश रहेंगे सर। ऐसे सफर में देखो, ये हमारे बड़े भैया लोग हैं जो जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। ये हमारे भैया, हल्का सा नाम बताना, हमारे गंगेश भैया ये, और हमारे बबलू भैया, हल्का आपने नाम बताओ ना भैया, रेवेंद्र भैया, जो कि मलारा में एक अच्छी पहचान रखते हैं अपनी। और ये हमारे बड़े भैया लोगों से मुलाकात, मेरे ख्याल से ऐसी मुलाकात एक आध साल, दो साल या तीन साल है ना, कोरोना के पहले ही हुई थी मेरे ख्याल से। आज तो मिले हैं अपन लोग ऐसे, और बाकी भैया लोग। अच्छा मंगोड़े यहाँ पे क्या था कि पिंटिया खा रहा था है ना, मंगोड़े की दुकान है भाईजान, आ जाओ। मलारा में जब भी आप आएंगे तो यहाँ के मंगोड़े भाईजान आ रहे हैं बाहर। अभी भैया से मुलाकात करवाता हूँ मैं आपकी। रेवंत भैया, आप लोग हमेशा खाते रहते हैं मंगोड़े? चाय भी अच्छी बनाए थे उसमें, इलायची भी थी है ना। और अच्छा भैया बताओ, वीडियो कैसे लगते हैं हमारे? बहुत बढ़िया ना। अच्छा ये सब लोग भाई लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सभी लोग से मिलवाता हूँ। बहुत बड़ा, बहुत बड़े, ये देखो ये सब भाई लोग हैं। सभी अपने अपने नाम बता दो एक बार आके। हाँ शानू, जरा जरा, ये शानू है, इसकी दुकान है मलारा में। बताओ दुकान का मोबाइल शॉप, नाम बताना पूरा। मोबाइल शॉप, शानू मोबाइल शॉप। ये बंदा जो है, मतलब मैं देख रहा हूँ शुरू से बहुत संघर्षशील बंदा रहा है और बहुत अच्छा भाई है हमारा ये। और बाकी लोग कौन कौन है भाई यहाँ पे? भाव की दुकान, बाबा बिसेन नाम नहीं आंदोलन, भाव की दुकान। भैया मंगोड़े वाले भी इधर तो आओ, वहाँ देख लो भैया, तुम्हें देख रहे हैं हम यार। वो भैया ये बोले डीजे से राहुल भाई, बोले डीजे आ जाओ भैया। ये भाव जो है, हाँ ये जो इनकी दुकान है ना, यहाँ दुकान यहाँ है पर रहना पर घाट मोड़ ऐसा क्या दुकान चलता। ये हमारे भैया है, भैया अपना नाम बताओ। आदिल खान, आदिल भाई की जो दुकान है मंगोड़े की। आदिल भाई कदम से बता रहा हूँ, गजब के मंगोड़े। हमारा करिया फैल हो गया, ये ब्रेक फेल हो गया इसके आज, ये मालूम यहाँ पे आया और रोक दिया मंगोड़े। देखते देखने में भी अच्छे और खाने में तो लाजवाब। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे
हम और हमारी पूरी टीम खाएगी, राइट? सही है ना? चलो एक बार सभी लोग जो है ना, एक बार छोरे बरघाटी बोल दो यार, सभी लोग छोरे बरघाटी, छोरे बरघाटी। इस घर आ चुका हूँ मैं अब, और सभी लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, और इस तरह से जो है आज का हम लोग का सफर रहा घर से लेके बाबा के दरबार तक का। तो कोंगू राजा जगह अच्छी है, अगर आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, सिवनी के बहुत मतलब बरघाट के बहुत ही पास में। तो जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ बताइए मुझे व्लॉग कैसा लगा। कुछ नया करने वाला हूँ, कुछ फनी सा करने वाला हूँ, और इसकी जो जानकारी है आपको मेरे व्लॉग चैनल पर हमेशा मिल जाएगी। वीडियो आने में थोड़ा वक्त जाए क्योंकि क्या है, ये थोड़ा सा काम थोड़ा सा एक बड़ा प्रोजेक्ट ही है मेरे लिए कहा जाए तो। कोशिश पूरी है कि बेस्ट टू बेस्ट इसमें करना है, देखते हैं कितने हद तक वो हो पाता है, मेहनत हम लोग की पूरी टीम कर रही है। तो कुछ नया है, और कब आने वाली वीडियो, किस तरह के कंटेंट होंगे, क्या नाम होगा चैनल का, ये सब आपको बता दूंगा मैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वाले व्लॉग में। इस व्लॉग को जो है आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना है अपने चैनल को आप कर दीजिए दिल से। जय माता की, जय हिंद, जय भारत।